नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं अब बनाने जा रही हूँ डोनट। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोनट बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। हमने 1 कटोरी मैदा ली है, पिसी हुई चीनी, दूध, गरम दूध चाहिए हमें, बेकिंग पाउडर, नमक चाहिए आधी चम्मच से भी कम, एक्टिव ड्राई ईस्ट है, बटर या देसी घी कुछ भी ले सकते हैं, उसको हमने पिघला लिया है। चलिए बनाते हैं। हम एक बर्तन में मैदा करेंगे। अब करेंगे हम चीनी। हमने इसमें 4 चम्मच चीनी डाली है, बेकिंग पाउडर, नमक, ड्राई एक्टिव ईस्ट डालेंगे इसमें हम। इसको हम ऐसे डालेंगे, भिगोएंगे नहीं इसको हम पानी या दूध में। अब डालेंगे इसमें हम बटर, अब इसमें हम गरम दूध डाल करके इसका एक डो तैयार करेंगे। डो हमें बहुत ही सॉफ्ट लगाना है। हमारा डो तैयार हो गया है, बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। देखिए अब हम डो के ऐसे बिल्कुल लोई बना लेंगे एक। हम चकले पर सूखा मैदा लगा लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। हमें इसको इतना मोटा बेलना है। अब हम एक गिलास लेंगे और गिलास में हम सूखी मैदा लगा लेंगे और इसको हम काटेंगे। इसमें 4 कट गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे पहले। इस लोई की हम और काट लेंगे। अब हम ऐसे किसी बोतल का ढक्कन लेंगे, उस पर भी हम ऐसे सूखी मैदा लगाएंगे, इसमें बीच में हम ऐसे काट देंगे। और इसको मैसे करके निकाल देंगे। देखिए हमने इस तरह से बना लिए हैं डोनट। अब इसको एक प्लेट पर रख देंगे। प्लेट पे हमने तेल लगा लिया है और हम बाकी की लोई की भी इसी प्रकार से बना के तैयार कर लेंगे।
हमने बना लिए हैं। अब इन पर हम ऑयल लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसको हम कपड़े से ढक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था, सेट हो चुका है हमारा। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेल में ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। अब इसमें हम डोनट डाल देंगे। गैस बिल्कुल धीमी करी है हमने। हमें इसको धीमी गैस पे सेकना है। दोनों हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन तीन को निकाल लेंगे पहले हम। देखिए सब इसी प्रकार हम फ्राई कर लेंगे। हमारे डोनट देखिए फ्राई हो चुके हैं और हल्के से ठंडे भी हो चुके हैं। हमने चॉकलेट को पिघला लिया है गर्म पानी में। अब हम डोनट लेंगे एक और इसको ऐसे चॉकलेट में ऐसे हम डिप कर देंगे एक साइड में। देखिए इस तरह से, और इसको हम एक प्लेट में ऐसे रख देंगे। हमने चार को डार्क चॉकलेट में कराया, अब हम चार डोनट को वाइट चॉकलेट में करेंगे। हमने वाइट चॉकलेट को पिघला लिया है। हमने एक बर्तन में पानी गर्म कराया है, उसके ऊपर हमने इस कटोरे को रख करके इसमें वाइट चॉकलेट डाल दी है। आधी चम्मच से भी कम बटर डाल करके उसको पिघला लिया है गर्म पानी में। देखिए उबलते हुए पानी के ऊपर कटोरा रख के हमने पिघलाया है, उसी प्रकार हमने डार्क चॉकलेट पिघलाई थी। अब इसमें हम व्हाइट लगा देंगे चॉकलेट। हमने डार्क चॉकलेट का फ्रीजर में रख दिया था, इसको भी हम रख देंगे फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए। अब देखिए इसको हमने फ्रीजर में रखी थी, हमारी चॉकलेट जम चुकी है। देखिए अब इस पर हम इस तरफ हम वाइट चॉकलेट लगाएंगे इसके।
अब इसको हम फिर से फ्रीजर में रख देंगे। देखिए ये जम चुकी है हमारी। अब इस पर भी हम लगा देंगे डार्क चॉकलेट। इनको भी हम जमा लेंगे उसी प्रकार से। देखिए तैयार है हमारे डोनट। देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं, बच्चों को जो बहुत ही पसंद आएंगे और कितनी आसानी से बन गए घर पर जाए।